अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में आज बॉलीवुड की हिंदी फिल्म धागे के प्रमोशन के लिए मेरठ शहर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में फिल्म धागे के सभी मुख्य कलाकार मौजूद रहे। यह प्रेस वार्ता मेरठ के गढ़ रोड स्थित सात फेरे रेस्टोरेंट में आयोजित की गई है। फिल्म के डायरेक्टर अंकुर मान ने बताया कि यह फिल्म उत्तराखंड में शूट हुई है और यह एक लव स्टोरी के ऊपर बनाई गई है जिसमें पलायन भी एक मुद्दा है। देखिए फिल्म के डायरेक्टर अंकुर मान और बाकी लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम अंकुर है, अंकुर मान, इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ मैं और ये पिक्चर शूट हुई है उत्तराखंड में। और इस फिल्म को मैं एक लाइन में बयां करता हूँ, ये फिल्म एक लव स्टोरी है जिसमें पलायन भी एक मुद्दा है और फिल्म बेस्ड है पहले प्यार के। हर एक इंसान का एक पहला प्यार होता है, तो क्या होगा जब आप अपने पहले प्यार से अचानक टकरा जाएं, या फिर क्या आपका पहला प्यार मुकम्मल हुआ। तो बस यही कुछ सवाल हैं जो इस फिल्म में दर्शाए गए हैं और पूरी फैमिली के लिए फिल्म बनाई गई है। अपना नाम बताएं। जी निखिल चौधरी। पिक्चर का अनुभव बताएं। जी पिक्चर का अनुभव बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्यारी मूवी है धागे, जिसको हम सब ने मिलकर बनाया है उत्तराखंड की चक्राता वैली में, और इसके प्रोड्यूसर सोहन नियाल जी और सविता सिवई जी, और हम सब ने इस मूवी के लिए बहुत मेहनत की है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इस मूवी को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फुल फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ, आस पड़ोस लोगों को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, सबको लेकर जाएं। 16 सितंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघर में, बस मेरा यही आग्रह है। देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मेरठ में आया हूँ, क्योंकि निखिल जी यहाँ से हैं, अंकुर सर यहाँ से हैं, तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से पब्लिक यहाँ पर रिस्पॉन्स दे रही है और मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, तो यहाँ के लोग भी बहुत जितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक नए कलाकार को एक पब्लिक का सपोर्ट होता है। चाहे आ जाए आप धर्मेंद्र जी को बोलो, चाहे अमिताभ बच्चन जी को बोलो, तो हर किसी को बनाने वाली एक पब्लिक है। तो जिस तरीके से पब्लिक ने यहाँ पे प्यार दिया है, जिस तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो मुझे मेरठ में, जी मैं और नवाज़ भाई जो है दिल्ली में पहले प्ले कर चुके हैं, और जो है LTG रेपेट्री पास आउट की बहुत कम लोगों को पता होता है, हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 3 रेपेट्री होती हैं। जब आप एक्टिंग में हर चीज़ से आप एकदम वहाँ से क्लियर कर लेते हैं, हर चीज़ की नॉलेज होती है, तब उसका उसके बाद में एक रेपेट्री में आपको सिलेक्शन मिलता है, जिसकी आपको बाकायदा सैलरी मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। तो मैं उसका हिस्सा रहा हूँ और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं नवाज़ भाई के साथ में थिएटर टाइम में जो है स्टेज शेयर कर सका, और वहीं से मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था मीरा नायर जी का, जो कि ये हॉलीवुड फिल्म थी द रिलक्टेंट फंडामेंटल्स। तो मैंने उनके साथ में फर्स्ट टाइम ओम पुरी जी, शबाना आजमी जी, चंद्रचूड़ सिंह जी, तो इन सब के साथ में फर्स्ट टाइम कैमरा फेस। अच्छी होप्स है सर मुझे तो इससे काफ़ी, क्योंकि बहुत प्यारी कहानी है, थोड़ी अलग है, और काफ़ी टाइम बाद ऐसी कोई स्टोरी बाहर आई है, क्योंकि आजकल जैसी स्टोरीज बन रही हैं और बैक टू बैक आप देख रहे हैं फ्लॉप हो रही हैं, तो ये बहुत ही स्वीट प्यारी सी छोटी सी जगह की गांव की कहानी दिखाई है। 3 ट्राइंगल दिखाए, लव ट्राइंगल पहाड़ में, तो वो एक प्यारी कहानी है जो कि आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगी। फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, लव स्टोरी है, पहाड़ों के बीच शूट की है। उत्तराखंड में अब काफ़ी मूवीज़ वगैरह आने लगी है और मैं तो उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और हम लोगों ने सब ने बहुत मेहनत करी है इस मूवी पे, और बहुत इमोशनल स्टोरी है ये, तो काफ़ी डिफरेंट सी लोग कनेक्ट कर पाएंगे और हर एज ग्रुप का इंसान देख सकता है इस फिल्म, तो हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, अभी उत्तराखंड में कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा माहौल बन चुका है कलाकारों के लिए और हर तरीके के आर्टिस्ट अब प्रमोट किए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, बनी रहेगी हमारी हर खबर पर नजर, देखते रहिए firstbite.tv और हाँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।